हाय एवरीवन दिस इज बरवानिका आज हम बात करने वाले हैं जी आर ए पी क्राप और किस तरह से ये दिल्ली में जो पोल्यूशन इतना हो जाता है दिल्ली को गैस चम्बर बनने से रोक सकता है तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट इज़ दिस आप मेरे बारे में यहाँ पे जान सकते हैं बाकी यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आपको पीडीएफ uh, प्लस आपको कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं प्रिंट मीडिया देखिए क्या बता रही है कि डेलीज़ एयर क्वालिटी इज़ नाउ पुअर कि ऑलरेडी डेली का एयर क्वालिटी पुअर हो चुका है और अब ग्रैप मेजर्स इनफोर्स किए जाएंगे तो ये ग्राप मेजर्स क्या हैं इन मेजर्स में क्या होगा पहली बात यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो आपको मालूम होने चाहिए जैसे सी ए क्यू एम सी एम का फुल फॉर्म तो आपको मालूम होना चाहिए दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है प्रलम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है सो जी आर ए पी अगेन आई एम रिपीटिंग फॉर यू ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान एन में ये इमीडिएट इफेक्ट के साथ जो है लागू किया जाएगा अगर आप डेली में देखें कि हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स वो आपको बताता है कि एयर क्वालिटी पुअर है वेरी पुअर है है ना लास्ट में आपका सीवियर आता है कि बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है सो यू गेट दैट काइंड ऑफ इंडेक्स ऑन मैनी एप्लीकेशंस अब ये ऑर्डर आया दिल्ली का ए क्यू आई बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो गया एयर क्वालिटी इंडेक्स की यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ और फिलहाल पुअर कैटेगरी में इसको रखा गया है और बाकी जो पार्ट्स हैं एनसीआर के गुड़गांव नोएडा ग्रेटर नोएडा यहाँ पे भी पुअर क्वालिटी एयर जो है वो अब देखी जा रही है कि दिल्ली में एयर क्वालिटी पुअर हो चुकी है अब वैसे भी आप बहुत सारी इस तरह की न्यूज़ थी जैसे एटीथ ऑगस्ट का प्रिंट मीडिया में ये है कि डेली टॉप्स द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ कि दुनिया में जितनी मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ हैं उनमें से दिल्ली टॉप करता है एंड कोलकाता इज़ क्लोज टू सेकेंड तो ये लिस्ट आप देख सकते हैं दिल्ली नंबर वन है और बाकी की टेन सिटीज़ आप देख सकते हैं नाइजीरिया पेरू बांग्लादेश इंडोनेशिया नाइजीरिया पाकिस्तान चाइना घाना ये बाकी की सिटीज़ हैं यहाँ की इन देशों की सिटीज़ हैं अब एयर पोल्यूशन से 2019 का डेटा हमको बताता है कि 2.6 बिलियन लोग जो हैं वो इफेक्ट हुए हैं और 2050 तक जो हमारा प्रोजेक्शन है वो हमको पता चलता है कि 68 परसेंट जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है अर्बन एरियाज में जो रह रहा है वो पोर क्वालिटी ऑफ एयर में रहेगा एग्जैक्टली पोअर क्वालिटी तो हम इनफ्लस निकाल रहे हैं बट द डेटा टेल्स एक्जैक्टली की सिक्सटी एट आपका अर्बन पॉपुलेशन हो जाएगा अभी देखिए आपकी पॉपुलेशन रूरल एरियाज में भी है अर्बन एरियाज में भी है बट बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन अनएम्प्लॉयमेंट लैक ऑफ रिसोर्स लोग रूरल एरिया से माइग्रेट करके कहा जा रहे हैं अर्बन एरियाज में आ रहे हैं अल्टीमेटली जब अर्बन एरियाज पे प्रेशर पड़ रहा है तो वो प्रेशर किन चीजों पे पड़ रहा है हमारी रिसोर्स पे पड़ रहा है हमारी पोल्यूशन जो है वो इंक्रीज हो रही है क्योंकि कोई प्लान्ड वे में आपका माइग्रेशन जो है वो नहीं हो रहा तो इसी तरीके से यहां पे ये यह इंफ्लुएंस निकाला गया है कि 2050 तक 68 एट परसेंट पॉपुलेशन सिटीज में शिफ्ट हो जाएगी तो जैसे जैसे ऐसे शहरों में अर्बनाइजेशन जो है वो इंक्रीज होगी इसमें जो वर्ल्ड की टॉप सिटीज़ हैं वहां पे आपको दिखेगा कि उन लोगों की हेल्थ पे एयर पोल्यूशन का असर आपको देखने को मिलेगा अभी देखिए रूरल एरियाज में जो हवा है वो साफ़ है लोगों को वहाँ पे रहना अच्छा लगता है एटलीस्ट इतनी हेल्थ प्रॉब्लम्स एयर पोल्यूशन की वजह से तो नहीं है बट सिटीज़ में जरूर हैं तो जब सिक्सटी एट परसेंट पॉपुलेशन अर्बन अर्बनाइजेशन हो गई तो वो सारे लोग किससे सफर करेंगे हेल्थ प्रॉब्लम से सफ़र करेंगे स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्योंकि यहाँ पे जो फ्यूल बर्न हो रहा है पुरानी गाड़ियों से पावर प्लांट से इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज से या रेजिडेंशियल कुकिंग हीटिंग तो ये सब रीजनस हैं एयर पोल्यूशन के देखिए एयर पोल्यूशन के बारे में डिटेल में मैं आपको बता दूँ लेट्स क्रैक यू जो हमारा अन अकाडमी का चैनल है वहाँ पर मैंने इन्वायरमेंट इकोलॉजी के सेवनटीन लेक्चर्स आपके लिए हैं सेवनटीन प्लस फाइव और इनमें से एयर पोल्यूशन पे डिटेल में हमने डिस्कस किया है कि एयर पोल्यूशन के

जब हमको पता चल गया कि एयर क्वालिटी हमारी खराब होती जा रही है डिटेरेट हो रही है डिग्रेड हो रही है तो हम कुछ ऐसे मेजर्स लेके आएंगे कि हम एयर क्वालिटी को और ज़्यादा खराब होने से बचा सकें अब स्टेज वन जो है इन इमरजेंसी मेजर्स की इनको एक्टिवेट किया गया जब हमने एयर क्वालिटी इंडेक्स देखा कि पुअर कैटेगरी में आ चुका है यानी 201 टू 300 के बीच में और दिल्ली का फिलहाल टू था टू हंड्रेड इलेवन एनसीआर का अलग अलग जगह का अलग है बट दिल्ली का अगर हम पर्टिकुलरली लेंगे तो टू वन वन है सेकेंड थर्ड और फोर्थ स्टेजेस जो हैं वो उसके तीन दिन के बाद जो है वो एक्टिवेट हो जाती है जैसे ही वेरी पुअर कैटेगरी पे आपकी एयर पहुंच जाती है थ्री कैटेगरी मानी जाती है फोर हंड्रेड वन टू फाइव फिफ्टी सीवियर प्लस कैटेगरी मानी जाती है अबव जब आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है सो नाउ यू नो कि अगर हम मेजर्स लेके आ रहे हैं तो स्टेजेस पे डिपेंड करता है कि कितने मेजर्स हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं तो स्टेज वन पे क्या कैटेगरी रखी गई है टू थ्री फोर का आप देख सकते हैं देन वेरी पुअर सीवियर कैटेगरी सीवियर प्लस कैटेगरी में अलग अलग मेजर्स आपके लाए

पे जो भी मेजर्स हैं वो एक्टिवेट किए गए लेकिन अब क्वालिटी और डिग्रेड होगी आपकी स्टेज टू लानी पड़ी तो जब आप स्टेज टू एक्टिवेट करेंगे जो भी चीजें स्टेज वन में बोला गया था जो मेजर्स लिए गए थे वो कंटिन्यू रहेंगे ऐसा नहीं कि स्टेज वन खत्म होगी और स्टेज टू आ गई फिर स्टेज टू खत्म हो गई और स्टेज थ्री आ गई ऐसा नहीं है इफ़ इनके स्टेज थ्री इज इंप्लाइड तो स्टेज वन और स्टेज टू एक्टिवेटेड ही रहेंगे वो कंटिन्यू करेंगे अब इस साल और पहले भी आपके ग्राफ मेजर्स लाए जाते थे तो इस साल नया क्या है तो सी ए क्यू एम ने ग्रेडिड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो इस साल है उसमें कुछ रिविजनस की हैं पहली बार इसको नोटिफाई किया गया था एक्चुअल में ये पहली बार कब आने शुरू हुआ 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इसको शुरू किया था कि हम इस तरह के इमरजेंसी मेजर्स लेंगे तो ये एक प्लान था जो सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड सी ने नवम्बर टू में सबमिट किया था इस नोटिफिकेशन में जो काम था ये जो जी मेजर्स हम ला रहे हैं ये आपका एक एन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी था एनसीआर का जिसको डिजोल्व कर दिया गया बाद में वो नहीं रहा तो अब टू थाउजेंड ट्वेंटी सी ए क्यू एम ही इम्प्लीमेंट करेगी इससे पहले इसको कौन इंप्लीमेंट करता था 2021 से पहले इसको इंप्लीमेंट करते थे पोल्यूशन अथॉरिटी थी एनसीआर के लिए नाउ इट डिस्ट एनी मोर तो इसलिए अब इसको जी आर पी, पी को सी ए क्यू एम जो है वही इम्प्लीमेंट करेगा तो 2017 में जो मेजर्स इन्होंने लिए थे उसमें ये पोल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन देखते थे कि शन सर्टन लेवल पे पहुंच जाएगी तो हम ये मेजर्स लेके आएंगे लेकिन इस साल और भी जल्दी मेजर्स लिए जा रहे हैं फोरकास्ट के बेस पे ही मेजर्स लिए जा रहे हैं जो पुराना ग्राफ था उसमें सिर्फ कंसंट्रेशन देखी जाती थी पर्टिकुलेट मैटर्स की पर्टिकुलेट मैटर 2.5 और पर्टिकुलेट मैटर 10 कि इनका क्या कंसंट्रेशन है एयर में इसके बेसिस पे मेजर्स जो हैं ये एक्शन प्लान जो है एक्टिवेट किया जाता था लेकिन इस बार एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसके बेस पर डिसीजन लिया जाएगा इसका मतलब पर्टिकुलेट मैटर के साथ साथ जो बाकी के पल्यूटेंट्स हैं वो आपके चाहे इस पर ओजोन हो गया सल्फ़र डाइऑक्साइड हो गया या ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हो गई बाकी पल्यूटेंट्स के बेस पे भी डिसीजन जो है वो लिया जाएगा तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस बार के जी इस एक्शन प्लान में या जो इससे पहले जी था दोनों में क्या फ़र्क है तो पहले तो आपको याद रखना है कि एक तो जो इम्प्लीमेंटिंग बॉडी थी पहले वो अलग थी बाद में वो डिजॉल्व हो गई तो इस भी इस बार इंप्लीमेंटिंग बॉडी जो है वो चेंज हो गई है और दूसरा पहले हम सिर्फ पर्टिकुलेट मैटर के बेसिस पे ही डिसाइड कर लेते थे लेकिन इस बार हम बाकी ए क्यू आई कह लीजिए बाकी पोल्यूटेंट्स को भी कंसिडर कर रहे हैं तो इस साल किस तरह के मेजर्स लिए जाएंगे तो पहली बार स्टेट गवर्नमेंट जो एन के आगे पीछे हैं उन्होंने रेस्ट्रिक्शनस लगा दी हैं बी एस थ्री पेट्रोल और बी एस फोर डीजल फोर व्हीलर्स जो हैं स्टेज थ्री अगर आपका एक्टिवेट हो जाएगा तो इस पर रेस्ट्रिक्शनस लग जाएंगी ये गाड़ियाँ रोड पर नहीं चलेंगी और अगर सीवियर कैटेगरी तक पहुँचता है सीवियर प्लस कैटेगरी में आप फोर व्हीलर्स डेली एन में जो भी हैं धीरे धीरे अगर आप देखेंगे ऑड इवन भी कर देंगे ये लोग सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज चलेंगी और सिर्फ बी एस सिक्स व्हीकल्स जो हैं वो रोड पे चलेंगी इनके सीवियर प्लस कैटेगरी हो जाती है तो जो हैवी गुड व्हीकल्स हैं डीजल ऑपरेटेड मीडियम एंड हैवी गुड्स व्हीकल्स उनके मूवमेंट पे भी बैन लगाया जाएगा तो इस सिर्फ एसेंशियल कॉम्युनिटीज जाएंगी बाकी बैन लग जाएगा तो इस तरह के मेजर्स जो हैं वो लिए जाएंगे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को रोका जाएगा जो नेशनल इंपॉर्टेंस की हैं जैसे जैसे कहीं पे हॉस्पिटल बन रहा है मेट्रो सर्विसेज बन रहे हैं वो चलते रहेंगे लेकिन बाकी की सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो हैं वो बैन लग जाएगा जो नेशनल इंपॉर्टेंस के चल रहे जैसे हाईवे रोड सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स वो चलते रहेंगे बट सपोज कोई अपना घर बना रहा है तो दैट इज़ नॉट बी मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस तो उस पर रोक लग जाएगा अंडर सिवियर कैटेगरी ठीक है यहाँ पे कैटेगरीज में बता रही हूँ जो पहले प्लान कंस्ट्रक्शन बैन वॉज इंप्लीमेंटेड ओनली इन सिवियर प्लस तो पहले क्या होता था सिर्फ सीवियर प्लस कैटेगरी में ही कंस्ट्रक्शन पे बैन लगता था लेकिन इस बार सिवियर कैटेगरी पे भी बैन लग जाएगा आ, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि बाकी एक्टिविटीज चलती रहेंगी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ ऑन लीनियर पब्लिक प्रोजेक्ट्स जैसे कि हाईवेज हो गए रोड्स हो गए फ्लाईओवर्स हो गए इनको भी सीवीआर प्लस कैटेगरी में इस साल रोक दिया जाएगा फिर सीवीर प्लस कैटेगरी में स्टेट गवर्नमेंट जो है एडिशनल इमरजेंसी मेजर्स भी ले सकते हैं जैसे स्कूल्स बंद हो सकते हैं जो व्हीकल्स हैं उनको ऑड इवन बेसिस पे कर देंगे फिर मुंसिपल प्राइवेट ऑफिसिस पे लोगों को कहा जाएगा कि वर्क फ्रॉम होम रखो सिर्फ फिफ्टी परसेंट स्ट्रेंथ को जो है वो आप ऑफिस बुलाओ तो ये सब डिसीजन लिए जा सकते हैं ये है आपका सीवियर प्लस कैटेगरी के केस में तो यहाँ पे तीनों स्लाइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे सीवियर प्लस कैटेगरी में क्या क्या किया जाएगा तो स्टेज थ्री अगर होगा तो क्या किया जाएगा सो दिस इज़ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट कि ग्राफ में क्या क्या होने वाला है तो गाइडलाइन सिटीजन्स के लिए क्या है कि पुअर कैटेगरी में आपको अपने व्हीकल्स जो हैं एकदम अप टू डेट रखने हैं आपके पास पी यू सी सर्टिफिकेट्स अपडेटेड होना चाहिए जब आप रेड लाइट पे ट्रैफिक पे खड़े अपनी गाड़ी को बंद कर दीजिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मैक्सिमम यूज़ कीजिए जो ऑटोमोबाइल्स के एयर फिल्टर है आपकी गाड़ियों के उनको चेंज कीजिए और स्वेयर कैटेगरी में रिकमेंडेशन है कि प्लीज़ अगर घर से काम कर सकते हैं घर से काम करें कोल और वुड को हीट करने के लिए गर्म करने के लिए क्योंकि आगे सर्दियाँ भी आ रही हैं यूज़ ना करें सीवियर प्लस कैटेगरी में लोगों को एडवाइस किया गया कि क्रोनिक डिजीज हो सकती हैं बड़ों को बूढ़ों को बच्चों को तो आउटडोर एक्टिविटीज़ जो हैं बच्चों को ज़्यादा घर से बाहर ना निकालें सो so, कौन इम्प्लीमेंट करने वाला है और इन्फोर्स करेगा अगर को तो सी ए क्यू एम ने यहाँ पर सब कमेटी बिठाई है जिसको ऑपरेशनलाइज करेगा सब कमेटी आ, इशू करती रहेगी ऑर्डर टाइम टू टाइम मेजर्स लिए जाएंगे डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर देखा जाएगा ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट्स एजेंसीज जो गवर्नमेंट की हैं वो सब इसमें इन्वॉल्व रहेंगी सो स्टेज वन कब कंसीडर की जाती है टू जीरो वन टू थ्री हंड्रेड तो आप देख सकते हैं एंटी स्मोक गन्स एट कंस्ट्रक्शन साइट्स एनफोर्सिंग बैन ऑन ओपन बर्निंग ऑफ वेस्ट ओपन आप बर्न नहीं कर सकते स्टेज वन में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो हैं डिमोलिशन एक्टिविटीज रोक दी जाएंगी जो डिसकॉम्स हैं पावर सप्लाई इंटरप्शन एनसीआर में कम कर दें ताकि लोग घर पर रह के भी काम करें तो इस तरह से स्टेज वन स्टेज टू जब आपका वेरी पुअर कैटेगरी हो जाएगा थ्री जीरो वन टू फोर हंड्रेड कोल्ड फायर वुड होटल्स में अलाउ नहीं किए जाएंगे पार्किंग इन्हांस पार्किंग फ़ीस टू डिस्करेज प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पार्किंग फ़ी बढ़ा दो ताकि लोग अपनी गाड़ियाँ लेकर ना आए पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करें उसके बाद इलेक्ट्रिक बस एंड मेट्रो सर्विसेज बाय प्रोक्योरिंग एडिशनल फ्लीट इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्विस ईवीज जो हैं या सी एन जी वहीकल्स हैं उनकी उनको इंक्रीज़ किया जाएगा ताकि फॉसिल फ्यूल बेस्ड फ्यूल को आप यूज़ ना करो डीज़ल जनरेटर्स को यूज़ नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट इन एमरजेंसी सर्विसेज स्टेज थ्री जिसको सिवियर बोला जा रहा है यानी फोर जीरो वन टू फोर फिफ्टी कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन एक्टिविटीज़ एक्सेप्ट नेशनल इंपॉर्टेंस का जो है ये सब तो आप देख सकते हैं जो हमने पिछले स्लाइड्स पर पढ़ा है और स्टेज फोर इज सीवियर प्लस मोर देन फोर फिफ्टी हो जाएगा तो बहुत सी चीज़ों पे रोक लग जाएगी यहाँ पे आपके स्कूल्स ये सब बंद हो सकता है फिफ्टी परसेंट में बोला गया कि इतने ही लोग आएंगे व्हीकल्स uh, uh, जो हैं और इवन बेसिस पे चलना शुरू हो जाएंगी सिर्फ आपकी बी एस सिक्स व्हीकल्स गाड़ियाँ जो हैं Uh, वो चलेंगी रोड पे तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे सो so, जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं उनके लिए बेनिफिट है और बाकी एयर पोल्यूशन वैसे भी इज अ वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ एग्जामिनर तो कुछ भी पूछा जा सकता है यू शुड नो अबाउट इट बाकी आप अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ आसान कर सकते हैं जिस भी एजुकेटर से आपको पढ़ना है पढ़िए बेस्ट एजुकेटर्स आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं यू कैन यूज़ माई कोड वीरो यू इन केस यू नीड माई पर्सनल गाइडेंस अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन के लिए कॉम्बो सब्सक्रिप्शन के लिए ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन के लिए आप सिर्फ नोट्स लेना चाहते हैं सो हेयर्ज योर चांस आपसे ऑफ नोट्स भी ले सकते हैं हमारे ऑल स्टार बैच हमारा सिक्स अक्टूबर से शुरू हुआ है यू कैन जॉइन इट और अगर आप ईएमआई ऑप्ट कर रहे हैं आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा सो सी अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट जो है हमारा यहाँ पे आप स्कॉलरशिप्स जीत सकते हैं 50 क्वेश्चंस हैं 60 मिनट्स 16th अक्टूबर 11 एएम इसको जरूर दीजिए टेस्ट तो देना चाहिए आपको मॉक्स दे के पता चलेगा कि आपका प्रिपरेशन है आप मेरा कोड यूज़ करके एनरोल कर सकते हैं और अगेन सी यानी कि आर्मी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप वापस आई है यहाँ पे बहुत सारे प्राइजेज़ बच्चों को दिए जाएंगे पांच रैंकर्स जो हैं उनको मीट एंड ग्रीट विद एन आई ऑफिसर तो आप आई ऑफिसर से पहले पांच रैंकर्स को मिलवाया जाएगा ताकि वो अपने डाउट्स डायरेक्टली जिस एग्जाम के लिए वो 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 एम कर रहे हैं उन ऑफिस से पूछें थर्टीथ नवंबर को एग्जाम है फिफ्टी एम सी क्यूज हैं सिक्सटी मिनट्स यू कैन एनरोल फॉर फ्री एंड रेस्ट डाउट ब्राउज फीचर इसको ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए थैंक यू सो मच अगेन दिस इज माई टेलीग्राम चैनल यू कैन गेट कनेक्टेड विद मी हियर थैंक यू सो मच